मत बज गई जे ए हाथ वेख लो मैंने आप लोगों को कहा था हम सुबह जाएंगे लेकिन सुबह जा नहीं सके, कुछ रीजंस हो गई थी जिनकी वजह से दो प्लान कैंसिल हुआ है। अब मैं और हमदा जा रहे हैं सोलो राइड पे। हम जहाँ पे जा रहे हैं जो सारा ऑफ रोड है, बिलियन हमारे साथ कोई नहीं है, सिर्फ हम दो और दो बाइक। आज ऑफ रोडिंग टूर है सारा। पेट्रोल हमने डलवा लिया है और वहाँ पे थोड़ी बहस हो गई थी, उसको कहा था आयोडीन डालने लेकिन वो पेट्रोल ज्यादा डालने लग गया, पता नहीं यार क्यों कर देने। बहरहाल ये हमदा की वांडन है और ये मेरी वांडन है जी। तो खुश आमदेद टू माय चैनल, आई होप सब्सक्राइब होगा, अगर नहीं तो लासानिया करें। चल चले, चलो जी चलिए। अभी जस्ट वजीराबाद क्रॉस किया और यहाँ पे मैं कहता हूँ क्या कमाल का व्यू होता है, मैं हर बार यहाँ पे रुकता हूँ, बेशक वीडियो में मैं नहीं दिखाता। हम जब भी जाते हैं यहाँ पे रुके ब्रेक लेते हैं छोटी सी। यहाँ पे पीछे वो ये सारे मुंजी फंड रहे हैं, ये सारे लगे हुए। बस दुआ करो तस्वीरें अच्छी बना ले ये, क्योंकि इसकी तो मैं तस्वीर अच्छी बनाता हूँ, ये मेरी नहीं बनाता तस्वीर अच्छी। वीडियो में रुकावट के लिए माजरत। लास्ट टाइम ही आके गया था हमारे साथ टिला, कहाँ पे गया था, जगवट गया था। हाँ अब ये मंगला डैम जा रहा है और हम टिला जो किया जा रहे हैं। हसन नहीं आया हमारे साथ पिछली बार, जी हसन भी था हमारे साथ जब हम जगवट गए थे। यार क्या मजे का व्लॉग था वो, आपको एंड स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। जो 2 साल का कोर्स है वो 6 माह में करेगा, तो इसलिए वो कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जाओ मैं उनके हिसाब में जावांगा। छोटी सी ब्रेक थी, थोड़ा सा फ्रेश हो गए, चलिए हम। अभी मैं जिस पुल के ऊपर से जा रहा हूँ, जो नीचे पानी जा रहा है, ये किला रोहतास से भी नज़र आता है। वहाँ पे जो एंड वाली जगह है ना, सीढ़ियों पे चढ़ के जाते हैं और क्या सुंदर लगता है शाम टाइम। वो व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो यूट्यूब पे लिखना हनान जम्बो किला रोहतास, वीडियो आ जाएगी तो वो देख लेना। किला रोहतास की है वो जगह जहाँ से सारा व्यू नज़र आता है। जहाँ पर भी ब्रेक लेते हैं ना चाहते हुए भी 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। बस अभी जाने आगे सारा बागे ऑफ रोड शुरू होगा। गूगल मैप पे लोकेशन लगा ली है, हम आगे चले गए थे वो डबल रास्ता मिला है, एक ये वाला रोड है यहाँ से है कि तकरीबन 21 किलोमीटर आगे जा के ना, तो आगे भाई जान हमने पैदल जाना है, पैदल पहाड़ी पे चढ़ना है और एक ये रास्ता है। हाँ। बिल्कुल ऑफ रोड है, टिल्ला जो है टॉप तक जाएगी यहाँ से बाइक। एक एक बंदा आया सोलो राइड है अपनी पहली, तो आप देखते हैं। बहुत एंजॉय किया सोलो राइड का, जिंदगी में फर्स्ट टाइम जो है ना इस तरह की राइड हुई है। नहीं तो हम पहले पिलियन पीछे बैठा था तब हम राइड करते हैं, आज सोलो राइड हो रही है सारी। कुछ खाने पीने के लिए नहीं थे लेके, अब हमजा गया लेने के लिए, मैं इधर बैठे इंतजार कर रहा हूँ, चाचू इधर बैठे हैं, मैं और बाइक ये खड़ी अपनी। और वो रोड है जो हमने जाना है, नाश्ता नहीं किया हुआ इसलिए बस हल्का फुल्का सा लेने गया, पानी या कोल्ड ड्रिंक ले आएगा कोई चीज, खाने पीने का सारा सामान आ गया। इन्हों क्या थी थोड़ा जा लेके आए, मेरे को कितना बड़ा सामान लेके आए भाई जान। आ सामान आ गया जी सारा खान पीन का, हम ना चलने टेलना। क्यों भाई सूरज सेटते हुए, इसको मैंने ये भी कहा था कि हम ना शाम को निकलेंगे 3 बजे, जरा ना सनसेट होगा वो देखेंगे, लेकिन नहीं सुबह निकलना था, 6 बजे निकलना था, हम निकले 7:20 पे 7:30 बजे और इतनी जल्दी की कि हमने मीटर भी पेट्रोल डलवाने के बाद जीरो नहीं किया, उन पता नहीं कितने किलोमीटर चले। जब मेरा जीरो था, देखो कितने, तेरा जीरो है, ये भी अच्छा है, अभी तक 142 किलोमीटर चल चुकी है। चलिए फिर चलो, बैग तो मैंने दे दिया पहनने के लिए, अभी ये पहन के चलाएगा, अब अपनी राइड में आराम से करूँगा। यहाँ से आए हैं, एक ये रास्ता जा रहा है और एक ये रास्ता जा रहा है। किधर जाना है भाई, जाना किधर है पता है नहीं, जाना किधर है, इधर जाना है कि इस साइड पे जाना है, मैप में देख आ रहा। फुल ऑफ रोड है, पानी पिया, सुबह का नाश्ता नहीं था किया हुआ,
बहुत अच्छा किया कुछ खाने पीने के लिए ले आए, और अब यहाँ पे ऐसी धमाके की आवाज़ें आ रही हैं जैसे पता नहीं पहाड़ गिरा रहे हैं या रोड बनाने। ये आई, अब कुछ खाते हैं फिर आगे जाते हैं। अभी जो यहाँ से व्यू नज़र आ रहा है वो ये है सारा पीछे, ये रहा। मतलब अभी पता नहीं है जाना कितनी दूर है और कब तक कैसे ऑफ रोड मिलेगा, फिर पता लगेगा जब तो जावांगे। चलिए फिर, चलो जी। है ना, बाद जो पता लगे गलत पहाड़ते आ गए हैं। नहीं, सही पहाड़ है भाई। जिम्मे साडे नाल कलर घारते होया सी, गलत पहाड़ ते चढ़ गए, ना सानू लेक लभी ना कुछ और। बिल्कुल जलालत हुई थी वहां पे भाई। अब नहीं होगे इंशाल्लाह, अब नहीं होगे जलालत, बेफिक्र रहो। अल्लाह खैर करे, पता लगेगा के जाके की सूरत हाल है। यहाँ पे सिर्फ हम, यहाँ पता नहीं क्या, हाँ ये व्यू था, ये व्यू देख के हम रुके हैं यहाँ पे तस्वीर बनाने के लिए, और इसकी नज़र पड़ी है अचानक मेरी बाइक पे, टायर पिछला पंचर है। और सफ़र भाई सिर्फ 8 किलोमीटर रह गया, और पीछे तकरीबन हम तकरीबन 1.5 घंटे से हम सफ़र कर रहे हैं। और पंचर बताऊँ किस वजह से हुआ है, इस चीज़ की वजह से हुआ है। अब ये डिसाइड किया कि चलते हैं आगे, ट्यूब तो नहीं डलनी डलनी है। हम शाम टाइम होते इस टाइम हमें मगरिब हो जानी थी, और हम ना यहाँ पे कोई बंदा ना कोई बंदे की साथ। आधे रास्ते ये चलाएगा बाइक, आधे रास्ते मैं चलाऊंगा, देखते हैं फिर अब अल्लाह खैर करे। 1 किलोमीटर चलाई है मैंने बाइक, और यहाँ पे व्यू मैं कहता हूँ क्या व्यू आ रहे हैं यहाँ पे। बर पंचर हो गई है, हिम्मत नहीं आ रही, अभी भी ऊपर जा रहे हैं इंशाल्लाह अपनी मंजिल की तरफ। रवा दवा किलोमीटर पड़ा है, अब एक ही बाइक पे जाएंगे। फाइनली टीला जोगियां पहुंच गए, यहाँ से व्यू है सारा, और जो फॉरेस्ट गेस्ट है उसको ये रहा, और ये नीचे जाने का रास्ता है। ऐसे गगड़ में एक मंदिर है, उस तरह ये है। अपनी एक बाइक आई है और दूसरी बाइक आपको पता है कि उधर पीछे ही खड़ी हुई है। अब यहाँ की जो हिस्ट्री है मेरे, ये जो एक जगह यहाँ पे पानी जमा होता है, जैसे गगड़ में जो मंदिर है उधर भी ऐसे एक तालाब बना हुआ है, पानी होता था लेकिन अब पानी नहीं है। हालत इसकी अब आपके सामने आई है। यहाँ से ये व्यू है जी, आ जा। चल आ गए, क्या वाह। यहाँ पे एक और जगह है, वो दूर से नजर आई थी लेकिन रास्ता बंद है यहाँ से, वो पीछे आई थिंक उस तरफ से रास्ता मुझे लग रहा है। देखते हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है। ऊपर इधर भी कुछ नहीं है। इस जगह पर आने के लिए कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल से तरह हूँ, लेकिन मैंने आपको अभी अंदर दिखा भी दिया, और जो सारी डिटेल हैं वो मैं साइड पे अटैच कर देता हूँ, तस्वीर आप साथ साथ पढ़ लेना और व्यू भी देख लेना। यहाँ पे और भी कुछ लोग आए हैं, वो ट्रैकिंग करके आए हैं सरगोदा वाली साइड से, हम बाइक पर आए हैं। यहाँ से हो गए यहाँ तक जाना है, फिर उसके बाद आके व्यू नज़र आएगा। ये घर देख रहे हो, ये व्यू हम देख के आए हैं अभी उधर। पापा जी बहुत भूल भुलैया यहाँ पे, एक एक कदम नीचे जाने का रास्ता, कोई बंदा नहीं सहारा ले सकता। ऐसे ही होता है ऐसी जगहों पे। ओ बाइक अपनी किधर है, और ये आजी अपनी बाइक। हाँ जी, अब हमने इसको वापस लेके जाना है 35 किलोमीटर, वो भी ऑफ रोड पे। तकरीबन मिनिमम भी हमें 3 घंटे लगने हैं। राम राम से जाइन के उसका सारा रिमना ख़राब हो जाए। चल आराम से ट्रैक है जी, चल यहाँ से पैदल जा रहे हैं, इसी तरह आए हैं सारा रास्ता, ये ऐसे इसी स्पीड में।
फर्स्ट और वर्स्ट एक्सपीरियंस। और यहाँ पे जो व्यू है देखो, ये वही व्यू है जहाँ पे हमने देखा था कि पंचर हुई थी बाइक, और यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए सेफली। अब बस कहीं पे पंचर वाला मिले यहाँ पे मेरे वाली बाइक यहाँ तक हमसा लेके अब आगे मैं चलाऊंगा। ट्यूब रिम के साथ चिपकी पड़ी है, वो फायदा बस ये हो रहा है कि टायर नया था इसलिए गुजारा हो रहा है अभी, अगर पुराना होता तो लग जाती। हुन ट्यूब टायर से निकल आई है बाहर, हुना है हुना रह गया सी बाकी, ट्यूब टायर चैन कवर में फंस गया बुरी तरह। कर दे निकाल ले, कर दे रिप्लेस। आया अब चैन कवर डालें बैग में, मत बजगी जे ए हाथ वे लो। ट्यूब भी निकाल दिया, चैन कवर भी है वो भी बैग में रख दिया, अब ऐसे ही जाएंगे नीचे। ये चढ़े हुए लोग, और यहाँ पे सनसेट हो रहा है। मुसाफर है नहीं करी दे। ना यार इन्ना कर, थोड़ा जा प्यार मोहब्बत करवाने और की करना। मैं 500 ली आखे यार जी, मैं अपनी जने मंजूरी की आखी जड़ी जाए जी ता। शुक्र करो बंदा तन्नू मिल गया, शुक्र अल्लाह दा बंदा मिल गया और सानू की चाहिदा। अल्लाह अल्लाह करके भाज लब्बे ने इथे ते हुन ट्यूब बदली जानी है। एदा पुरानी ट्यूब दा हाल बड़ा भैड़ा है, टिल्ला जोगियां ते पंचर हुई बाइक को यहां पे लेके आए हैं। ये किला रफ्तार के सामने वॉशरूम पे बंदा बैठा होता है, ये पंचर लगा रहा है बल्कि ट्यूब डलवा रहे हैं। नहीं शुक्र करो ट्यूब मिल गई है इसे, शुक्र अल्लाह दा भी सानू मिल गया भाई। जो भी हुआ बेहतर हुआ, इसी में कोई बेहतरी है। पर पैसे भाई मुंह मांगे देने पड़ते हैं इनको, जो इन्होंने कह दिया वो पैसे देंगे तभी ट्यूब डाल रहे हैं, नहीं तो अल्लाह हाफिज़ टाटा बाय बैठू। ये हालत है इसकी, ये हाथ ये देखो, ये मेन चीज़ ये टूट गई। ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ, ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿੰਟ ਤੇ ਜਾਣ ਹੋਈਏ 5 ਵਜ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਟਿਊਬ ਵੀ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਸਿੱਧਾ ਘਰ, ਚਲਾਈਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਲਈ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ, ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ।